तो देखिए बड़ी खबर ये बता रही है, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सृष्टि, दोनों की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। तो हरियाणा न्यूज सबसे बड़ी जानकारी दे रहा है कि किरण चौधरी और साथ ही श्रुति चौधरी की ओर से इस्तीफा कांग्रेस से दिया जा चुका है। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था और अब बड़ी खबर ये है कि किरण और श्रुति दोनों कांग्रेस को अलविदा कह चुकी है, दोनों का इस्तीफा हो चुका है। तो हमारी खबर पर मोहर लगी है, हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दी थी, आज इस्तीफा हो चुका है, कल बीजेपी का दामन थामने वाली है। कल कांग्रेस के जो समर्थक उनके अपने समर्थक हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है, उनसे राजू चौधरी किया जाएगा। अब तो जाहिर है बीजेपी में जाने वाली, लेकिन उसके बावजूद अब जो बड़ी खबर ये है कि इस्तीफा दे चुकी है, कल समर्थकों से भी बात होगी, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगी सुबह 9 बजे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली है। और जो भी आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि दोनों ने ही, किरण चौधरी ने भी और श्रुति चौधरी ने भी, दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, दोनों इस्तीफा दे चुकी हैं, ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है। हरियाणा की राजनीति से जुड़े मल्लिकार्जुन खड़गे को किरण और श्रुति दोनों की ओर से इस्तीफा दिया जा चुका है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़ी कि बंसीलाल परिवार का, चूंकि देखिए दूसरे हम बात करें, सोमवीर की बात करें, महिंद्रा की बात करें, अनिरुद्ध की बात करें, बंसीलाल परिवार का हिस्सा वो भी है, लेकिन चौधरी बंसीलाल की जो पगड़ी है, जो राजनीतिक विरासत है, उसके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी श्रुति को दी गई थी। तो अब किरण और श्रुति दोनों ही बीजेपी में शामिल होने जा रही है, और ये अपने आप में पहली बार बहुत बड़ी बात है। कि हम रणजीत सिंह की बात करें तो दाऊद देवीलाल जी परिवार से भी एक सदस्य हम कह सकते हैं, भजनलाल परिवार से बात करें कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी में, बंसीलाल परिवार से किरण और श्रुति भी अब बीजेपी में जा रही। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसे अपने आप में हरियाणा की राजनीति को लेकर कहा जाए। बिल्कुल ज्योति, एक बार फिर से एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने ही इस्तीफा अपना दे दिया है। और जैसा कि ज्योति सांगवान भी लगातार जानकारी दे रही थी कि अब वो जल्द ही, बल्कि कल ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी, और इससे पहले उनके इस्तीफे की खबर हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले, जब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी, जब इसकी सिर्फ सुगबुगाहट थी, तभी हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि किरण चौधरी जो है कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, और अब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। ज्योति, इस बीच खबर यह भी सामने आई थी, जैसा कि आपने भी सुना था, कि शैलजा की तरफ से यहां पर, या यूं कहें एसआर के गुट में शैलजा सुरजेवाला, इनकी तरफ से जरूर कोशिश हुई होगी कि किसी तरह से मना लिया जाए, क्योंकि इससे पहले अमित जब जुड़े थे तो वो भी ये बता रहे थे कि एसआर के वर्सेज हुडा ग्रुप जो एक चलता है, किरण चौधरी के चले जाने से एसआर के गुट जरूर कमजोर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एसआर के गुट तो कमजोर पड़ेगा ही, साथ ही इनके रिजाइन की, रेजिग्नेशन की हम बात करेंगे, इनके मुझसे कहा गया है कि मैं एक लंबे समय से कांग्रेस के साथ या मैं, मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, हमने बिल्कुल स्वार्थविहीन राजनीति की है, एक बड़ी लेगेसी को आगे ले जाने का मैंने काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में केवल 1% सेंट्रिक पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति पर केंद्रित पार्टी हो गई है। तो ये सीधे तौर पर निशाना साधा गया है भूपेंद्र हुड्डा पर, और उनको लेकर ये भी कहा गया है केवल वो अपने इंटरेस्ट के चलते ही जो भी फैसले वो ले रहे हैं उसे लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। तो ये एक वजह बताई गई है, एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हरियाणा में कांग्रेस हो गई है, ये इनकी ओर से कहा गया है। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि बार बार ये कह रही कि मैं, मेरा परिवार ये चल रहा है और उसकी वजह से कांग्रेस का भविष्य नहीं है, जो हाईकमान को लिखा गया है उसमें भी किरण ये कह रही कि एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है हरियाणा में, और इसी के चलते ये कदम वो उठा रही है, इनकी ओर से कहा गया है। श्रुति की ओर से भी रेजिग्नेशन लिखा गया है, किरण की ओर से भी रिजाइन कर दिया गया है, दोनों की ओर से एक ही बात लिखी गई है जिसका हम कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा गया है। तो दोनों ने इससे बात दे दिया है, कल वो दिन रहेगा जब दोनों ही बीजेपी का दामन थामने वाली है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी नाराज थी, श्रुति का टिकट कटा उसको लेकर नाराजगी थी, टिकट वितरण को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है हरियाणा में, और आज इस्तीफा किरण की ओर से, श्रुति की ओर से, दोनों की ओर से इस्तीफा दिया जा चुका है। अब ऐसे में ज्योति क्या समझा जाए हरियाणा के लिहाज से, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या अब इस रिजाइन के बाद अन्य जो लोग हैं, जिसमें कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला ही क्यों ना हो, वो और मुखर हो सकते हैं क्या, और मुखर होकर अपनी और कोई बात रख सकते हैं क्या इस पर भी? बिल्कुल, देखिए किरण के जाने से हम एसआर के गुट के, हम अपने कार्यक्रम भी लगातार दिखा रहे थे कि एसआर के गुट हरियाणा में अब काफी एक्टिव लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से हो गया है। खबर ये थी कि शैलजा भी इनको रोकने मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये नहीं रुकी, और सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कह दिया गया कि एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है, और ये भी कहा गया कि जो अपने स्वार्थों के लिए, जो पार्टी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है उससे वो समझौता कर रही है, ये भी लिखा गया है।
और यही कारण है कि मैं अपने लोगों के लिए जिनके लिए मैं पहले भी खड़ी रही हूँ उनके लिए खड़े रहने के लिए मुझे मूव ऑन करना होगा। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। तो अब देखना ये जिस तरह के रिएक्शन आते हैं, जाहिर है हाईकमान को पहले ही जानकारी इस बात की रही होगी, किरण पहले भी कई बार संकेत दे चुकी है, किरण बार बार भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी सवाल उठाती रही है, वर्तमान कांग्रेस को लेकर भी बात करती रही है, अजय माकन को जब राज्यसभा जाना था नंबर। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि टीवी स्क्रीन पर हमने वो लेटर भी दिखा दिया है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो लेटर भी हम अपनी जनता को दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया, जब इस खबर की सिर्फ सुगबुगाहट थी तभी हरियाणा न्यूज ने इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं कर दी थी, इस खबर को दिखा दिया था। और अब ये जो लेटर है वो भी हरियाणा न्यूज के पास आ गया है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा पर हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, बहुत बड़ी एक हलचल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने रिजाइन तो दिया ही है और भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला उन्होंने कर लिया है, ज्योति वो लेटर भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है इनकी ओर से, और मैं बहुत ईमानदारी से कार्य करती रही पार्टी के लिए, ये बात इनकी ओर से कही गई है और एक लंबे समय से पार्टी से जुड़ी थी, ये तमाम बातें कही गई है। पार्टी स्वतंत्रिक हो गई है हरियाणा में, ये जाहिर है भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कह रही है कि मैं और मेरा परिवार इस तरह की राजनीति में होती पहले भी सवाल नहीं, केवल बड़ी बात ये थी केवल किरण भी सवाल उठा रही है, शैलजा भी इस बात को लेकर सवाल उठाती रही है। बीरेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया है कि संगठन में अगर इसी व्यक्ति की चलती है तो ये बहुत अच्छी बात पार्टी के लिए नहीं है। अब देखना ये किस तरह के रिएक्शन आते हैं, हालांकि पार्टी हाईकमान अगर इन्हें रोकना चाहता तो जाहिर है पहले से बहुत सारी संकेत दे चुकी थी, हाईकमान भी इनको रोकने के मूड में नहीं दिखता था। तो अब कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है, बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी ये भी देखना होगा। बिल्कुल ज्योति, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत भी की, आपने जब उनसे सवाल किए तो आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उनकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन कहा जा सकता है, क्या जवाबदेही जो है वो सामने आ रही थी। देखिए जब हमने इस खबर को उठाया, क्योंकि खबर मतलब हरियाणा न्यूज भी हम बार बार कहते हैं, कोई भी खास तौर पर राजनीतिक जितनी भी खबरें हैं सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएं। तो जब हम मुद्दा में डिबेट इसे लेकर कर रहे थे उससे पहले आपने भी इस खबर को पढ़ा था, ये भी हमने दिखाया था, तब तमाम प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि हमें हरियाणा न्यूज से इस बात की जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ होने वाला है। कांग्रेस भी कह रही थी कि हमें ऐसी किसी भी हलचल की जानकारी नहीं, कांग्रेस की ओर से भी कहा गया, बीजेपी की ओर से भी कहा गया। तो सबसे पहले हमने इस खबर को बताया था और अब इस खबर पर मोहर लग गई है, दोनों इस्तीफा दे चुकी हैं, कल बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिए। और इस बीच ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से दे दें, श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, तो किरण चौधरी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह इस्तीफा भेजा गया है। और लेटर जो है हरियाणा न्यूज पर आप उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजाइन देने के बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, इस बात की लगभग पुष्टि जो है वो हो चुकी है। और कांग्रेस से इस्तीफे की ये जो खबर थी उस पर भी मुहर लग गई है क्योंकि जो लेटर जो भेजा गया था वो भी सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको ये इस्तीफा जो है वो दिया गया। और देखिए हरियाणा न्यूज की न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से, लाइव वो जुड़ गई हैं हमारे साथ। और ज्योति जिस तरह से ये लेटर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि किरण चौधरी ने शुरू से ही अपनी नाराजगी जो है वो खुलकर जाहिर की है और हाईकमान को भी कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी कि ये जो दो गुट बटे हुए हैं हरियाणा में वो कुछ बड़ा कदम कोई नेता जो है वो उठा सकता है, कहीं ना कहीं इसकी भी जानकारी थी, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया गया या समझाने का प्रयास नहीं किया गया, ये माना जाए क्या ज्योति की बात इतनी आगे तक बढ़ गई?
बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है कांग्रेस में, ये कांग्रेस हरियाणा में मजबूत पार्टी रही और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते मजबूती से काम कर रहे हैं। गुटबाजी के अलावा अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक हम चर्चा करें, राव इंद्रजीत चौधरी, बीरेंद्र सिंह हालांकि वो वापस आ चुके हैं, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, अरविंद शर्मा, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, कुलदीप बिश्नोई भी आप जानते हैं बीजेपी में जा चुके हैं, हालांकि उससे पहले भी वो बीजेपी में शामिल होने से पहले हम बात करें 2007 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, 2016 में कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों ही उनकी ओर से बीजेपी का दामन थामा गया, अब उनके बेटे विधायक हैं बीजेपी में, तो ये बहुत सारे नाम हैं, अशोक तंवर भी इनमें शामिल हैं। तो रणजीत सिंह भी, चूंकि उनको रानिया से टिकट नहीं मिल पाया था 2019 में निर्दलीय, उनकी ओर से इलेक्शन फाइट किया गया, फिर बीजेपी को समर्थन दिया गया और अब बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, टिकट दिए जाने से करीब आधा घंटा पहले, तो बहुत सारे नाम हैं। कांग्रेस नेता बहुत बार ये कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी के आने या जाने से, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो छोड़कर आते हैं वो घर वापसी भी कांग्रेस में करते ही करते हैं। तो दो नाम इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल हाईकमान को जानकारी थी, किरण जिस तरह के बयान दे रही थी, हाईकमान जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको दे रहा था उससे भी जानकारी थी, चूंकि टिकट बेटी को नहीं मिला इसको लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की, कैंपेनिंग में भी खुलकर ये बयान देती रही है, जब राहुल आए थे महेंद्रगढ़ तब भी हमने हरियाणा न्यूज ने दिखाया था किस तरह से रावदान सिंह और किरण के बीच उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे की शिकायत राहुल को कर रहे थे मंच पर, ये भी हमने देखा था। तो किरण के लिए कम से कम बिल्कुल कुछ भी अभी के लिए ठीक नजर नहीं आ रहा था, फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया गया था, इस बात से भी कहीं ना कहीं एसआर के गुट में नाराजगी थी, क्योंकि सीएलपी लीडर वो हैं, नेता प्रतिपक्ष वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद के हैं, राज्यसभा की जब एक सीट शैलजा के बाद की हम बात करें कांग्रेस के हिस्से में थी, उनके बेटे राज्यसभा सांसद थे, अब राज्यसभा सीट छोड़कर लोकसभा में एक बार फिर से वो सांसद बन गए हैं और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी एक उनके पसंद के थे, प्लस संगठन की जितनी नियुक्तियां की गई फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया गया, ज्यादातर विधायक भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, ये बहुत सारी वजह है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा की काबिलियत भी हो सकती है या हाईकमान की पसंद भी वो हो सकते हैं कि हाईकमान ने उन पर भरोसा किया है, फ्री हैंड दिया गया है, और ये एक बड़ी वजह रही कि एसआर के गुट लगातार ही कहता रहा कि व्यक्ति विशेष की पार्टी हो रही है, जो कि लिखा भी गया है, दोनों ही जो रिजाइन है, चूंकि श्रुति ने अपने प्राथमिक सदस्यता से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और जो बताया गया है वन पर्सन सेंट्रिक पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति विशेष पर आधारित केंद्रित पार्टी हो गई है हरियाणा में, ये इनकी ओर से कहा गया है, किरण की ओर से भी ये बात बताई गई है, जो वजह इनकी ओर से बताई गई है और यही कारण इनकी ओर से बताया गया कि हम रिजाइन दे रहे हैं। अब जाहिर है कांग्रेस को भिवानी की राजनीति के लिहाज से हम कह सकते हैं झटका लगने वाला है, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कितनी मजबूती, चूंकि महेंद्रगढ़ में जब पीएम आए थे तब उनकी ओर से चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया गया था, विकास पुरुष थे, हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, हालांकि तब विरोधियों की ओर से दूसरे दलों की ओर से भी कहा गया, बीजेपी सरकार में थी लेकिन बीजेपी ने खुद ही चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार पूरी नहीं चलाई थी, पूरे कार्यकाल के लिए गठबंधन में रहते हुए सरकार नहीं चलाई थी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। तो अब कितनी मजबूती बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है बहुत कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में रहा है, एक एक सीट को लेकर बीजेपी भी होमवर्क कर रही है, एक एक सीट को लेकर कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, और अब किरण बीजेपी में गई हैं, सोशल इंजीनियरिंग के नाते हम बात करें जाट बाहुल्य जो इलाके हैं या सीटें हैं, एक जाट चेहरा है किरण, तो वहां कितनी मजबूती मिल पाएगी और किरण को क्या मिलेगा बीजेपी में, क्योंकि मान सम्मान की बातें होती हैं, क्या बीजेपी में इन्हें मान सम्मान मिल पाएगा, चर्चा राज्यसभा सीट को लेकर भी है, एक राज्यसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा लड़ने के चलते खाली हुई है, क्या वहां किरण को या श्रुति की हम बात करें बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और ज्योति यही सवाल मेरा आपसे था भी कि सहमति क्या लगता है किन किन बातों पर बनी होगी, क्योंकि मान सम्मान जिसका आपने जिक्र किया किरण चौधरी भी चाहेंगी और बल्कि श्रुति चौधरी के लिए भी चाहेंगी वो कि कुछ अच्छा मिले, बेहतर मिले। देखिए मुख्य तौर पर वो अपनी बेटी के लिए चाहेंगी, किरण दिल्ली की राजनीति करती रही, दिल्ली कांग्रेस की राजनीति करती रही, विधायक चुनकर आई, डिप्टी स्पीकर भी हो रही, हालांकि दुर्भाग्यवश उनके पति का स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, उसके बाद हरियाणा की राजनीति में वो आई, 2005 का बाय इलेक्शन हुआ, सहानुभूति की लहर भी थी लोगों में, सुरेंद्र सिंह को खोने का एक बहुत बड़ा दुख और गम भी था कि ऐतिहासिक तौर पर देश की सबसे बड़ी वो जीत थी अपने आप में, 98% से भी ज्यादा वोट शायद उनको मिले थे उस वक्त, 2005 में जीती,
2009 में फिर जीती, 2014 में भी जीत हासिल की, 2019 में भी वो जीती हैं। तो खुद तो लगातार जीतती आ रही थी, दो बार इस दौरान वो मंत्री भी रही। उसके बाद हम बात करें 2014 की, तो 2014 से सीएलपी लीडर भी हालांकि वो रही, विधायकों की हालांकि हम बात करते हैं, विधायक हालांकि उनके साथ नहीं थे। इस बार के टेन्योर में हम बात करें, भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष भी वो हैं। तो लगातार उनको लग रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान जो फ्री हैंड दे रहा है, उसे केवल किरण नहीं बल्कि शैलजा भी काफी नाराज नजर आ रही थी। रणदीप भी, हालांकि रणदीप कम ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन शैलजा और किरण खुलकर बयानबाजी कर रहे थे। तो ये तो किरण के प्रोफाइल की बात है। श्रुति की हम बात करें, 2009 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जीती ये, 2014 और 19 में लगातार ये हार रही थी। अब भूपेंद्र हुड्डा या उनके खेमे से जुड़े लोग ये कहते हैं कि होमवर्क किया गया है, इस बार जिताऊ उम्मीदवारों को उतारा गया है। उनसे जुड़े लोग ये भी कहते हैं इस बार कोटा सिस्टम खत्म किया गया है कि कोई बड़े नेता है उनको टिकट दिया ही दिया जाएगा, या उनके बेटा बेटे को टिकट दिया ही जाएगा, या उनके पसंद के चेहरे को टिकट दिया जाएगा, ये सिस्टम हमने इस बार खत्म किया है और हमने सर्वे पर आधारित जो टिकटें हैं वो दी है, ये दावा किया गया। तो इस नाते श्रुति का टिकट कटा सबसे बड़ी नाराजगी इन दिनों कम से कम किरण की इस बात को लेकर थी कि श्रुति को टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये खुलकर भी नाराजगी उनके बार बार सामने आ रही थी। और इसमें दिलचस्प बात यह है, किरण और श्रुति के अलावा हम बात कर लें कि शैलजा को लेकर काफी तारीफ वो करती आ रही थी। अब से दो से तीन दिन पहले उनकी ओर से कहा गया कि शैलजा अगर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, सबसे काबिल उम्मीदवार वो हैं। तो अब देखना यह है कि वो तो शाम से खुद विधायक हैं, क्या वो बीजेपी में जा रही है, क्योंकि कल तो क्या वो विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगी, अगर राज्यसभा सीट का ऑफर दिया जाता है तो क्या, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे दावेदार हैं, सब अपनी लॉबिंग में जुटे हैं, क्या श्रुति को मौका मिल सकता है, किरण को मौका मिल सकता है, ये देखने वाली बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने फायदा का सौदा है? देखिए बीजेपी को लेकर हम पहले भी बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, 10 साल बीजेपी सत्ता में रही है, पहले 47 सीटें, उसके बाद 40 सीटें, बहुमत नहीं मिल पाया था दूसरी बार, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी। तो ऐसे में एक एक सीट को लेकर लगातार होमवर्क किया जा रहा है। 46 सीटों का कांग्रेस दावा करती है, हलकों में हमने लीड हासिल की है, हालांकि उसमें 4 अलायंस के भी हल्के रहे हैं। तो बीजेपी का प्रयास ये है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए, हैट्रिक बनाई जाए, इस बार भी जीत हासिल की जाए। तो एक एक हलके को लेकर पार्टी लगातार काम कर रही, तैयारियों में लगातार जुटी है। तमाम वो नेता जिनका वर्चस्व है, जिनकी जमीन है, जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किरण के आने से सोशल इंजीनियरिंग के नाते भी, क्योंकि लोगों का ये मानना है, ये सोशल इंजीनियरिंग आप जानते हैं बहुत प्रभावी रहती है राजनीति में, कि भूपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय के नाते एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो जाट वोट पोलराइज ना हो इस बात का प्रयास जाहिर है बीजेपी भी करेगी। तो किरण के आने से जाट समुदाय के नाते कितना फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके बीजेपी ज्वाइन करने से एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा, बड़ा मैसेज जाएगा। और ज्योति, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, ये बार बार सवालिया निशान जो है वो खड़े किए जा रहे थे खुद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी। और अब जिस तरह से रिजाइन किरण चौधरी का, श्रुति चौधरी का सामने आया है, इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई है। तो ऐसे में एसआर के गुट, जिसका ज्योति मैंने पहले भी जिक्र किया और मैंने आपसे पहले भी सवाल भी किया कि क्या अब वो और मुखर यहां पर होगा, अब उसमें कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हाईकमान को भी ये देखना है। एक बहुत बड़ा फैसला किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़कर लिया है, तो क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, पार्टी को एकजुट करके चलना है हाईकमान को, ये एक बड़ी चुनौती के आगे भी अब रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पहले भी किरण या दूसरे कई बड़े नेता, हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें, राव इंद्रजीत, वो भी सीएम पद की बातें तो अब वो बीजेपी में भी करते हैं 10 साल बाद भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी में चले गए थे, अब घर वापसी वो कर चुके हैं 10 साल बाद, उनके जाने की वजह भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ही थे, और भी कई नाम मैंने ऐसे लिए हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से तुलना या सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी नेता जरूर करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो 4 बार सांसद बने, 3 बार ताऊ देवीलाल को बैक टू बैक लगातार उनकी ओर से हराया गया, 5 बार के वो विधायक हैं, 10 साल के वो मुख्यमंत्री हैं, सीएलपी लीडर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तो बहुत सारे पदों पर संगठन में भी रहे, और सरकार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सरकार के मुखिया के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी या पद भी उनकी ओर से संभाला गया। 2014 से लेकर 19 तक की बात करें, कोई पद उनके पास नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से लगभग फ्री हैंड कांग्रेस हाईकमान की ओर से उनको दिया गया है। तो तमाम नेताओं में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बातें, नाराजगी जरूर रहती है कि जो फ्री हैंड दिया जाना है या संगठन से जुड़े कार्य
कार्य करने हैं, टिकट वितरण की भी बात है, तो सारी ही बातें एक ही नेता की क्यों मानी जा रही है, इस बात को लेकर नाराजगी जरूर रहती है। हालांकि पहले भी जो लोग छोड़कर गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस ने कहा है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ा है। अब दोनों किरण और श्रुति जा रही है, चौधरी बंसीलाल की राजनीति की जो आप कह सकते हैं केवन हार गए, जिसको आगे ले जाने वाली है, इस बात का जिक्र, लेगेसी का जिक्र इनकी ओर से इस पत्र में किया गया है। तो देखना यह है कि कितनी मजबूती बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि बंसीलाल की राजनीति की हम बात करें तो उनकी विरासत के नाते तो महिंद्रा भी, जो कि खुद भी विधायक भी बने, जो खुद राजनीति करते आ रहे हैं, अब अनिरुद्ध भी काफी एक्टिव हैं, हमने कैंपेनिंग में भी देखा किस तरह से आमने सामने किरण और अनिरुद्ध भी नजर आए थे। तो जाहिर है कांग्रेस इस बात को इस तरह से भी दिखाने का प्रयास करेगी कि किरण को क्या नहीं दिया गया, विधायक से लेकर मंत्री से लेकर सीएलपी लीडर तक, श्रुति को 3 बार चुनाव लड़ाने तक, तो तमाम तरह की जिम्मेदारियां, पद, अवसर कांग्रेस ने दिए हैं, और अब अगर उसके बावजूद भी वो छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें हाईकमान, क्योंकि हम जो कह रहे हैं संभावित है कि कहा जाएगा, तो बीजेपी कितना मान सम्मान देगी, क्या कोई राज्यसभा को लेकर कमिटमेंट हुई है या केवल विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कमिटमेंट हुई है, कोई कमिटमेंट हुई भी है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत बार कहती है कि हम कोई वादा नहीं करते हैं, हम कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं, जो बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी के जो सिद्धांत है उसमें कोई यकीन रखता है वो बीजेपी परिवार में शामिल होता है, हमेशा स्वागत है। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ने जा रहा है, कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है, दोनों ही किरण और श्रुति दोनों ही इस्तीफा दे चुकी हैं, भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट किया गया है, अब सैलजा का क्या रिएक्शन आता है, हम सुरजेवाला की बात करें उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, कैप्टन अजय यादव जो कि बार बार ये कह रहे हैं भिवानी और गुरुग्राम की सीटें टिकटें गलत बांटी गई हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ज्योति, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है, कब कौन किस पार्टी में, कब कौन दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता, और ऐसा ही कुछ हुआ है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ, जो कहीं अब तक भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, लोग इसको किस तरह से देखेंगे, लोगों पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, ग्राउंड तो किरण ने बहुत पहले से बना रखा था कि भिवानी का विकास नहीं हुआ 10 साल में, ये केवल किरण नहीं कहती है, दूसरे नेता भी, आप दक्षिण हरियाणा की बात करें, राव इंद्रजीत कहते रहे, कैप्टन अजय यादव बिजली मंत्री थे वो भी कहते रहे रबर स्टैंप बना दिया गया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद और उजाना के विकास को लेकर सवाल उठाते रहे, कुमारी सैलजा ये कह चुकी है कि 10 साल में उत्तर हरियाणा का विकास नहीं हुआ, वो भी सवाल विकास को लेकर उठाती रही है। तो किरण एक ग्राउंड तो कहीं ना कहीं बना चुकी थी, श्रुति को टिकट न मिलने पर उनकी ओर से खुलकर नाराजगी जाहिर की गई है, इसे लोगों के दिल की आवाज कहा गया कि लोग ये चाहते थे कि श्रुति चुनाव लड़े, सर्वे में भी ये सामने आया था कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, टिकट वितरण को लेकर बार बार वो कह रही थी कि बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन टिकट गलत बांट दी गई, हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले थे। तो कल या परसों तक की प्रेस वार्ता में ये कह रही थी बीजेपी के खिलाफ बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी, बहुत बड़ी लहर थी, कांग्रेस के पक्ष में लोग थे, तो अब कल उसी बीजेपी को ज्वाइन करने जा रही, तो लोग तमाम बातें सुनते हैं। अब वो टाइम है जब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया में लोग देखते हैं, सारी बाइट सुनी जाती हैं, प्रेस वार्ता सुनी जाती हैं। तो कल तक तो ये बीजेपी को बहुत कोस रही थी, कल बीजेपी का ही दामन थामने जा रही, लोग इस बात को भी देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये भी लगेगा कि श्रुति का टिकट गलत कटा, हारना ही था, तो रावदान सिंह भी हारे ही हैं, रावदान सिंह को लेकर तो इन्होंने कहा कि वो अपने इलाके में अपने हलके में भी लीड नहीं ले पाए, वहां भी बढ़त नहीं मिल पाई, वहां भी हारे हैं, तो दोनों ही तरह की बातें हैं। कुछ लोग इसे मौका परस्ती या अवसरवाद भी देख सकते हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कुछ को ये भी लग सकता है कि वाकई एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है हरियाणा कांग्रेस, ये कारण हो सकता है कि किरण ने मजबूरी में ये कदम उठाए हैं, तो दोनों ही तरह के लोग होंगे जो दोनों ही अलग अलग संदेश जिन तक पहुंचेंगे, और विधानसभा चुनाव में अब क्या कुछ होने जा रहा है, केवल तो शाम तक सीमित रहेंगे किरण, कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जाएगी, क्या विधानसभा को लेकर कमिटमेंट हुई है, ये तमाम वो बातें हैं जिनका विधानसभा चुनाव आते आते जिनसे पर्दा उठेगा। बिल्कुल, पर्दा जल्द ही उठेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। ज्योति, कल की अगर हम बात करें, कल क्या कुछ रहने वाला है खास, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है पहले समर्थकों के साथ बैठक करेंगी, मुलाकात होगी, चर्चा होगी, फिर उसके बाद क्या कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है किरण? देखिए, कोई भी नेता जब अपना दल छोड़ता है उसके बाद अगली पार्टी में जाता है, जब भी फैसला लेता है, तो ये बात जरूर कही जाती है कि वो अपने समर्थकों से रायशुमारी करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। ये एक आप जानते हैं कि ये एक तरह की एक रवायत बन गई है या औपचारिकता भी इसे कह सकते हैं। जाहिर है बीजेपी हाईकमान से इनकी बात हो चुकी है, तमाम जो भी कमिटमेंट्स हैं या प्रोमिस हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, विधानसभा में क्या अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या है, उनकी बेटी के लिए क्या किया जाएगा, इन तमाम बातों पर दोनों तरफ से सहमति बन गई होगी। अब कल अपने समर्थकों के साथ रहेंगे, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे अपने समर्थकों के साथ, और कल बीजेपी की हो जाएंगी किरण और श्रुति
चौधरी। उसके बाद देखना ये है, हालांकि राज्यसभा को लेकर ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि इनको कोई कमिटमेंट की गई है, इनको भेजा जा सकता है, श्रुति को भेजा जा सकता है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, टाइमिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा हो जाती है। राज्यसभा की एक सीट खाली है, बहुत सारे बीजेपी के नेता भी दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की भी लॉबिंग हो रही है, बहुत सारे समीकरणों पर चर्चा और बात भी लगातार हो रही है। हालांकि बीजेपी तो अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुन रही है, उसको लेकर भी लगातार लॉबिंग जारी है। तो ऐसे टाइम में किरण जब बीजेपी ज्वाइन कर रही है, तो एक वो बात भी है कि क्या राज्यसभा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई है क्या, या विधानसभा चुनाव भी करीब है, या विधानसभा देखिए कल ही बीजेपी में आ रही है और उसके ठीक बाद कोई ऐसा बड़ा पद बीजेपी की ओर से दिया जाए, संभव हालांकि कम है, लेकिन देखना ये है, बात ये है कि इस हद तक या कितनी मजबूती से किरण की ओर से अपनी बात रखी गई होगी, अगर रखी गई होगी तो, चूंकि अभी अगर मगर की स्थिति है। हम राज्यसभा को लेकर कोई ये दावा नहीं कर रहे, लेकिन संभव है, टाइमिंग ऐसी है, अगर बीजेपी जाट चेहरे को भेजना चाहे, चूंकि चौधरी बंसीलाल की तारीफ करके गए हैं पीएम, उनकी राजनीति को मान सम्मान दिए जाने की, उनकी विरासत को सम्मान देने की बात हो सकती है, अगर उन्हें भेजा जाता है, अगर सोशल इंजीनियरिंग के नाते श्रुति को भेजा जाता है, तो हो सकता है जाट समुदाय को अपने साथ लाने का एक बड़ा प्रयास बीजेपी की ओर से, मास्टर स्ट्रोक भी अपने आप में हो सकता है। हालांकि सुभाष बराला पहले से राज्यसभा में है, वो भी इसी समुदाय से आते हैं, तो क्या दो चेहरों को, पांच में से दो चेहरों को बीजेपी, एक निर्दलीय हालांकि कार्तिक शर्मा जो कि बीजेपी समर्थित थे, तो क्या एक ही समुदाय से बीजेपी भेजेगी या फिर नहीं? हालांकि दूसरे दलों से जो लोग आते हैं उनको कितना मान सम्मान बीजेपी में मिलता है? सबसे पहले अगर बात करें चौधरी बीरेंद्र सिंह, हालांकि उन्हें राज्यसभा भेजा गया, 10 साल जब तक उनकी ओर से इस्तीफा नहीं दिया गया था, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया था, तब तक वो मंत्री भी केंद्र में रहे, उनकी पत्नी को भी 2014 में टिकट दिया गया, उचाना से विधायक बनी, उनके बेटे को टिकट दिया गया, सांसद वो बने, हालांकि टिकट ना मिलने की चर्चा उनके बीच कांग्रेस में आ गए थे। राव इंद्रजीत सिंह की हम बात करें, लगातार टिकट दिया जा रहा, लगातार केंद्र में मंत्री है, दूसरे भी जो नेता गए उनको टिकट दिए गए हैं, तो किरण को कितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, ये सबसे दिलचस्प अपने आप में देखना रहेगा। और क्योंकि ज्योति आपने यहाँ पर पीएम के उस बात का भी जिक्र कर दिया, पीएम के उस बयान का भी जिक्र कर दिया, जब जनता को संबोधित करते हुए महेंद्रगढ़ में उन्होंने कहा था, चौधरी बंसीलाल का जिक्र भी उन्होंने किया था, क्या तभी से मान लिया जाए वो एक इशारा था, एक मैसेज देने की कोशिश हुई थी पीएम की तरफ से? बिल्कुल, इशारा इसलिए भी था क्योंकि श्रुति का टिकट कटा था, किरण भी इस तरह के बयान दे रही थी लगातार, और इस बीच पीएम का ये कहना ही अपने आप में एक संकेत तो था। उस वक्त हालांकि ये लगा था कि जो लोग श्रुति को टिकट ना मिलने से नाराज थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आ जाएंगी, इसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि पीएम जहां भी जाते हैं वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे होते हैं या महापुरुष रहते हैं उनको याद करते हैं, तो विकास पुरुष के नाते चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया गया था, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत दोनों ही तरफ से उस वक्त मिल रहे थे कि किरण नाराज थी, किरण कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में थे, पीएम की ओर से चौधरी बंसीलाल की तारीफ की गई थी, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के को लेकर संकेत जरूर मिल रहे थे। सबसे बड़ा संकेत अभी एक से दो दिन पहले ही जब किरण की ओर से कहा गया भविष्य नहीं है कांग्रेस का हरियाणा में, तब लग रहा था कि बात फाइनल हो चुकी है कि जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। अब तक जो कि इनकार करती आई कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी, कांग्रेस की सच्ची सिपाही मैं हूं, दशकों से कांग्रेस के साथ मेरा परिवार जुड़ा है, जब पत्रकारों ने पूछा क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती है, तब भी उनकी ओर से कहा गया था कि ईश्वर ही जानता है, यानी इनकार नहीं किया गया था। तो आज रिजाइन कर दिया गया है, खुलकर एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी कहा गया है। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या हरियाणा कांग्रेस में कोई खलबली मचती है, या ये एक बार साफ हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं और जिनके हुड्डा से नहीं बनती है वो अपना कोई ना कोई रास्ता तलाश लेते हैं, ये भी संभव है लोगों में संदेश जाए। कांग्रेस इसे झटके के तौर पर देखती है या फिर कांग्रेस हाईकमान ही समझता है कि ठीक है एक गुटही, कम से कम गुटबाजी जो चल रही है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे कैंपेनिंग के दौरान दीपक बावरिया की ओर से एक पत्र भी लिखा गया था कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है सभी नेता मजबूती से उनकी कैंपेनिंग में हिस्सा लें, शामिल हूं, और उसी पर ही निर्भर करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ जिम्मेदारी, टिकट दिए जाने की ओर ही इशारा था कि अगर आप नहीं हेल्प करते हैं, पार्टी के डिसीजन के साथ नहीं है, उम्मीदवार के लिए सही मन से या पूरी शक्ति के साथ, आप पूरी ताकत के साथ कैंपेनिंग नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका विधानसभा चुनाव का टिकट भी कट जाए, जो ये संदेश देने का प्रयास कड़े शब्दों में दीपक बावरिया की ओर से किया गया था। अच्छा, इस बार बड़ी बात ये भी थी कि कई बार होता है कि पार्टी प्रभारी कम से कम आपको लगे कि अपने पक्ष का है, तो इस बार भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी लीडर के नाते, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, वो भी आप जानते कि तल्ख टिप्पणियां किरण और आप जानते उदयभान के बीच कई बार देखी गई, आदमपुर बाय इलेक्शन की बात करें, आपकी भी बात करें, प्रभारी को भी निशाने पर लिया जा रहा था, तो सीएलपी लीडर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, ये एसआरके गुट को लग रहा था कि एक ही गुट के
सभी नेता हैं, तो ये भी एक वजह थी कि किरण बार बार इस तरह के बयान दे रही थी, किरण को बार बार ही लग रहा था उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार जाहिर उनको लग रहा था कि मैं मेरा मेरे परिवार की राजनीति हो रही है, और आज ही पत्र में लिख भी दिया कि एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है हरियाणा कांग्रेस जी। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी और विश्लेषण भी किया कि आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है, बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका।